यार गाइस, ये तो पानी नहीं पी रहे ना, इसने पिया पानी ना बड़ी वाली गाइस। यस तो सो गाइस, यहाँ पे हलाई तो ऐसे ही चलती रहेगी, हम चलते हैं घर, तू बैठ इधर ठीक है। तुझसे बिना मम्मी एंड डिगल के रस्सी की मूड़ी बुलाई सी, बोलो बोलो देखो। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, और आज का ब्लॉग हो रहा है संडे वाला ब्लॉग, क्योंकि अभी ना करीब 3 बजे है, तो मेरी एनर्जी मतलब अभी जाके मतलब जागी है, क्योंकि इससे पहले मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना कि भाई क्या ही बोलूं। तो अभी आई हूँ मैं भाभी जी के गाय को पानी देने के लिए, जो कि गाय अंदर है अभी, और अभी मैं सबसे पहले पानी देती हूँ गाय को, और फिर उसके बाद आपसे बहुत ज़्यादा बात करूँगी आज, ठीक है। और पीछे रोशनी देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, गाय मेरी आवाज़ सुन रही है। गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी ना मैंने अंदर पानी दे दिया था, पानी पी जो पानी पियो, पानी पी, ये पानी नहीं पी रहे गाइस, इनको प्यास ही नहीं लगी है शायद, पी लेना पी पी पी, ये तो पी नहीं रहा है। तो गाइस गाइस ना मुझे डर लग रहा है, ले अरे यार ये भी नहीं पी रही है पानी, क्यों ऐसा। अरे यार गाइस, ये तो पानी नहीं पी रहे ना, इसने पिया पानी ना बड़ी वाली गाय ने पिया, अब क्या करूं मैं, इनको घास ही देती हूँ। सबसे पहले मैं भाभी जी को कॉल करती हूँ, तो इनको पूछती हूँ कि घास क्या दूँ मैं, है ना, पानी पियोगे ना आप लोग, तो गाइस फोन करती हूँ गाय को ये वाला घास, तो सबसे पहले मैं घास देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। गाय को मैंने अभी पानी पिला दिया है, और यहाँ पे देखिए गाइस आड़ू लगे हुए, आड़ू तो कुछ ही टाइम में पक जाएंगे, तो इसको जोर से नहीं हम खींच सकते क्योंकि ये टूट जाएगा गाइस, क्योंकि कच्ची होती है ना इसकी टानियाँ, तो करके तो थोड़ी देर मेरा मन कर रहा था कि मैं बगीचे में बैठ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, तो ठीक है मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। तो गाइस ये आड़ू थोड़ा सा खराब था, तो मैंने इसको निकाल दिया और इसको मैं खाऊंगी गाइस। ये देखिए गोभी के, ये देखिए गाइस गोभी 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 गोभी, और ये देखिए गाइस एप्पल, यहाँ पे एप्पल अभी छोटे छोटे हैं और कुछ टाइम में बड़े हो जाएंगे, और अनार भी बड़े हो जाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा बगीचा है भाई, बगीचा है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे सो जाऊंगी, यहाँ पे बैठ जाती हूँ, और यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे गाइस, चलो एक झलक दिखा दो। तो इसका टेस्ट बताती हूँ गाइस, अभी ना इसको पकने को काफ़ी टाइम लगेगा, तो कुछ ही टाइम में हो जाएगा, तो इसको हम खा सकते हैं। और वहाँ पे देखिए गाइस ये है नाशपाती का पेड़, और इसमें भी नाशपाती लगी हुई है, वो देखिए ये है नाशपाती, बच्चे को ना बंद गोभी की सब्जी मतलब बंद गोभी लगाई हुई है बेचने के लिए, और एप्पल के पेड़ अनार के पेड़ और घर, और ये भी घर, ये भी घर, और यहाँ भी घर, उससे उधर को मेरा घर भी आता है गाइस, मेरा घर उधर को आता है, वो छिप गया मेरा घर, देखो मेरा घर यहाँ से गायब हो गया, बिल्कुल गायब। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं होगा खेत पे। यार गाइस क्या आड़ू लगे हुए इस पेड़ में। तो लो जी गाइस अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ, गाय को पानी भी दे दिया, थोड़ा बहुत आपको खेत भी घुमा लिए, और इसके बाद बस अभी मैं आटा गूंथती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है एक नई डिश जो कि मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, और उसके बाद आटा गूंथने के बाद देखते हैं हम कहीं घूमने चलते हैं, मतलब पास में अपने खेत में, तो आपको दिखाते हैं हमने खेतों में क्या सब्जी लगाई है, और इधर उधर मतलब मेरे गाँव में क्या क्या सब्जियाँ लगी है वो दिखाऊंगी, और चलो अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ। सो गाइज अभी मुझे ऐसे भी खेत जाना पड़ेगा और वैसे भी खेती जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का कॉल है मुझे कि हल लगाने के लिए आ रहे हैं ट्रैक्टर वाले, तो जो कि मेरे चाचू ही लगते हैं, तो मतलब गांव वाले चाचू, तो वो आ रहे हैं हल लगाने के लिए, तो अभी मैं जाऊंगी खेत और आपको भी ले चलती हूँ खेत, तो मेरे साथ अभी खेत चलिए ठीक है। तो सो गाइज अभी मेरे साथ आप खेत चलिए, और खेत में देखते हैं कि जहाँ जहाँ बोला मम्मी ने कि भाई इस खेत में भी हल लगाना, उस खेत में भी हल लगाना, तो वहाँ पे
बता के आती हूँ मैं दरअसल चाचू जी को। गाइस ऐसे पकड़ना होता है। और गाइस क्या मौसम लग रहा है अभी, तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। और रोड की बात करें तो रोड तो ऐसा लगता है कि गांव वाला क्यूटनेस क्यूटनेस पर भरा हुआ है रोड। इस पहाड़ों की एक बात होती है, बताओ क्या, मतलब पेड़ ही पेड़ दिख जाते हैं गाइस, पेड़ ही पेड़, वो भी फ्रूट वाले। इधर को भी फ्रूट है देखो, वहां भी फ्रूट है और उस साइड को भी फ्रूट है, फ्रूट ही फ्रूट है। और ये देखिए यहाँ पे पल्लम पल्लम लगे हुए गाइस, वो देखिए ये है पल्लम। और ये पहाड़ी अनार जो कि खट्टा होता खाने में। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना गाइस, क्या ही बताऊं मैं गाइस, कोई फोन पकड़ता ना और मैं ऐसी भागती ना, इतना अच्छा लगता यार गाइस, क्या व्यू है, क्या व्यू है। यहाँ पे ना हम काफी ज्यादा रुकते हैं क्योंकि यहाँ से ना इतना अच्छा मतलब पूरा पूरा प्लॉट दिखाई देता है, इतना सुंदर लगता है ना। और बगीचा देखो नीचे कितना खिलखिलाया हुआ अनार का बगीचा। अरे उधर भी अनार, उधर गोभी और बहुत कुछ चीजें मिलेगी। अभी चलते हैं हम, बहुत कुछ चीजें मिलेगी। गांव में तो भाई सब्जियां भर भर के होती है गाइस, भर भर के। पानी निकलने की आवाज हो रही है, पानी तो नहीं इस पाइप में। ओह माय गॉड गाइस, वो देखो पानी, छोड़ो इसको। तो सो गाइस अभी ना मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ ना, इसको बोलते हैं हम लोग गुप्त, हम लोगों को हड़ाई करने के लिए ये वाला खेत, वो वाला खेत, उसे नीचे शायद कर लिया है। तो उसके बाद है उधर और वहां पे है चाचू। चाचू नमस्ते, इधर करना वाला ना चाचू, चाचू बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ तो। ये देखिए चाचू हो गया, वो कहाँ गया, क्या रूम कौन है आरुषि, हेलो बोलो आरुषि, हेलो करो। एक गाना गाने में आरुषि बोलो, हमारा प्याज देखो, वहां देखो मतलब हमारा प्याज, बोलो बोलो, देखो हमारा प्याज देखो, ऐश करो, वाह इतना सारा प्याज। गाइस इतना बहुत कम बोलती है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा प्याज हो गया गाइस, कितना ज्यादा, और इतना बड़ा बड़ा प्याज, क्या हो गया, ले जाऊंगी मैं इसको घर। ये ना मेरे आमा जी और का प्याज है, मतलब इतना ज्यादा प्याज। बोलो कितना प्याज खाओगे आप लोग, बहुत हाँ। कितना प्याज खाओगे, बहुत बहुत। ओके वहां पे बैठो, फोटो खींचनी मैंने, ऐसे करो अब, ऐसे दोनों हाथ फोन को साइड। नहीं साक्षी कोई नमस्ते नहीं, नमस्ते नहीं करनी साक्षी, नमस्ते नहीं कुछ, नमस्ते क्या, नमस्ते साक्षी, देखो कितनी बड़ी होगी। ये क्या किया बालों का, खेत गए थे, इतनी छोटी है गाइस, इतना बहुत काम करती है ना, निंडाई करी नहीं तब खेत में सोने काम किया पक्का, तभी बाल उड़े है ना। तो सो गाइस अभी हमारी अभी तरबूज पार्टी, खाओ खाओ। गाइस अभी ना यहाँ पे चाय बन रही है भाई के लिए, मेरे लिए, और देखते हैं और भी होंगे पीने वाले तो उनको भी पिला देंगे, बट अभी मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो ये मेरी कड़क चाय, चलो इसको पीते। तो सो गाइस यहाँ पे लगी हुई है शिमला मिर्च, यहाँ पे लगी हुई जापानी फल, अभी ना हम यहाँ से घर ही चलते हैं गाइस, घर क्या खेत चलते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारी हलाई, और इधर को भी हमने हलाई कर ली है। यस तो सो गाइस यहाँ पे हलाई तो ऐसे ही चलती रहेगी, हम चलते हैं घर, तू बैठ इधर ठीक है। और यहाँ पे देखो सेब कितने लगे गाइस, एक तो शोर ही आ रहा होगा पीछे का,
अनार क्या दिखाने, अनार अनार की शक्ल तो गाइस इन्होंने, इसने ना मेरे भाई ने ना बुरी हालत कर दी, स्प्रे है भी स्प्रे कर दिया है। तो चलो मैं भी अभी घर चलती हूँ, ठीक है मैं गई। और अभी हम यहाँ से चलेंगे गोभी के खेत से, और यहाँ पे अनार तो बहुत ही अच्छे लगे गाइस, और रात भी होने वाली है। ये देखो मम्मी पहुंच गई वहां आगे जाके। तो सो गाइस यहाँ पे एक मूली लगी थी, मूली का मतलब यहाँ साइड साइड से ना मूली लगाई, तो एक हम घर के लिए ले जा रहे हैं, और ये छोटू जैसा एप्पल खाने के लिए। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी हलाई कर दी, वहाँ पे भी हलाई कर दी, और उधर वाले खेत में हलाई हो रही है। चलो अब चले हम घर। टिचक टिचक टिचक, एक ही के नहीं तो इस मूली की कोई कदर नहीं रखी है आपने। शॉट पर है तुझसे भी ना मम्मी एंडी गल के रसी की मूली बिलाई सी, मूली बिलाई सी की शर्ट मूली नहीं खाते वो मम्मी तू सिलाई रही की मूली बे शर्ट नहीं बनी है काठी सा है रोला। तो सो गाइस ये है मेरी न्यू डिश जिनको हम खाने वाले हैं, दाल बनाई है मैंने और दूध भी होगा। तो ये सिडू उतरना ऐसे फूल जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में बनने के बाद कि कैसे बनते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा सिज रहे हैं तो ऐसे हो जा रहे गाइस, तो इनको बनाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो सो गाइस अभी ना मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी, ना ही मैंने आपको मतलब बनने के बाद सिडू दिखाए। चलो अगर सुबह टाइम में लगा तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन बट यहीं पे करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। और अभी ना मैं सो के उठी हूँ गाइस क्योंकि मुझे करना था ब्लॉग एंड। तो आई होप सो आपको आज का ब्लॉग, गांव वाला ब्लॉग जो कि मेरे को तो अच्छा लगा, जो भी ब्लॉग बना मेरे को अच्छा ही लगा क्योंकि इतने दिनों के बाद खेत गई थी, और अच्छा भी लगता है ऐसे संडे वाले दिन रेस्ट भी होता है। तो शायद आपको भी अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ जितने भी मेरे और भी ब्लॉग हैं ना गाइस, सबको इतना ज़्यादा प्यार दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अभी ज़्यादा बात नहीं करते, गुड नाइट, सो जाए सभी।